ही वाइज आदमी था, वो समझता था कि जब तक मैं अराउंड चाइना नेबर्स के साथ एक वो जो है ना पीसफुल सिचुएशन नहीं कायम कर लूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक। तो उसने ये किया कि जितने कॉन्फ्लिक्ट थे ना अराउंड उसकी नेबर्स में जिनके साथ भी था, उनको किसी तरह फ्रीज कर लिया, किसी तरह उसने रिप्रोचमेंट की तरफ आ गया, और फिर पूरी तवज्जो अगले 20-30 साल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे दी। इस वक्त आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है, और जो सस्ते बाजार हैं जिनको कहा जाता है, जो कि नाम के सस्ते बाजार हैं, सिर्फ शहरियों का कहना है कि महंगाई तो साथ है ही, लेकिन ये है कि हम तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी से बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की जेल में मुलाकात ना हो सकी। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल कर ली है, जिससे पाकिस्तानियों के अभी से होश उड़ने लगे हैं, क्योंकि 2024 में भारत में अब इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि उसका ये ट्रेलर है। यही कारण है कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई भी जीत होती है उससे पाकिस्तान के लिए दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त आइसोलेट हुआ है उसमें पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा हाथ है। तो हमारे लिए एक अच्छा अब यही जो बात है इसी को आगे बढ़ाते हैं, आखिर आपके पास में आता हूँ। इन्होंने कहा कि चीन ने ये फैसला किया कि जितने भी उनके नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, उनके साथ अगर फॉर एग्जांपल भारत है, लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पे मसाइल हैं, तो उनको हम फिलहाल फ्रीज कर देते हैं, उससे बातचीत नहीं करें, हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर बात करें। अगर आप अपने रीजन में देखिए तो इस वक्त चीन के अलावा एक लिहाज से वो इत्तेमाद नहीं है, न ईरान के साथ, न अफगानिस्तान के साथ, न भारत के साथ। तो आप किस तरह नई हुकूमत को क्या आप कहेंगे, किस तरह मामलात को लेकर चलें? पहले रीजन में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात की बात करते हैं। मैं आपसे बात करूं ईरान की, अफगानिस्तान की और भारत की, आपके पास कोई ऐसी तजावीज़ हैं जो अगली हुकूमत को हम दे सकें इस फोरम से? बस पे मैं फिर उसी अपने पिछले जो मैंने बात की उस पे वापस आता हूँ कि आपके यहाँ जब तक कि सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, अब ये नहीं पता होगा कि ताकत का मंबा कौन है। आपके यहाँ मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक तरह से लेकिन ये तो हर मुल्क में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इदारों का बहुत डोमिनेंट रोल है। हर इदारे का जो इनपुट ज़रूरी होता है फॉरेन पॉलिसी के बगैर तो चल ही नहीं सकते, लेकिन एक इदारे का डोमिनेंट रोल जो है वो फिर आप दूसरे इदारों के जो इनपुट है उनकी जो तासीर है उसको ख़त्म कर देता है। तो आपको पहले ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में ये जो फाइनल फैसला जिसके जी आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, आपने अपनी माशी नहीं, चलिए मैं आपको एक आपकी बात मान, ये गिवन है, ये गिवन है कि हमारे यहाँ ये होता नहीं है, गिवन नहीं, ये गिवन है कि हमारे ये प्रॉब्लम है। एक इदारा जो भी है वो उसको डोमिनेट करता है हमारे सारे फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में, ये गिवन है ना, ये एक हकीकत है। अब इस हकीकत को सामने रखते हुए आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या होना चाहिए भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ? अगर आप इस हकीकत के साथ रहने को तैयार हैं और आपके ख्याल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी तो आपका ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, मतलब फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली की जरूरत नहीं आएगी। क्योंकि देखें, जिस तरह अगर आपको याद हो कि PMLN की जो लास्ट गवर्नमेंट जब शुरू में आई थी तो उन्होंने उस वक्त सुनने में आ रहा था कि जी MFN स्टेटस इंडिया को देने वाले हैं। जी हाँ, इस पे ऑलमोस्ट शायद आपने इसकी मुखालफत की होगी। लेकिन मुखालफत नहीं की, लेकिन बहुत सारे इदारों ने मुखालफत की, और किस इदारे की मुखालफत की वजह से ये MFN स्टेटस नहीं हो सका था? सिविलियन गवर्नमेंट, किसी सिविलियन गवर्नमेंट तो डिटरमिंड थी कि जी हम FM, नहीं वो मैं खुद इसमें सुने ना, आपके ट्रेड मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था। नहीं, मैं खुद इसका चूंकि से प्लेयर रहा हूँ, थोड़ी सी तसहीह कर दूँ, क्योंकि जब मैं गया इंडिया में मार्च 2014 में तो ये डिसाइड हो चुका था कि उस वक्त के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब वो इंडिया में आएंगे, लेकिन हमें भारत के अंदर से
तजवीज लेकिन दी हकूमत तो मार्च 2014 में नहीं आई थी ना, नहीं वो तो सितंबर बीजेपी की हकूमत, लेकिन इलेक्शंस हो रहे थे। मैं एमएफएन स्टेटस की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शुरू में ही जैसे पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो गया था 2013 में, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम एमएफएन स्टेटस देंगे। मार्च में आ रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, आ रहे थे बिल्कुल, उनकी तारीख तय हो गई थी। फिर मैंने वहां से रिकमेंड किया कि अभी आप ना आइए क्योंकि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम ये एमएफएन स्टेटस इनकमिंग गवर्नमेंट को देंगे रात दिन के हम आउटगोइंग गवर्नमेंट के, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। बाद में फिर हालात खराब हो गए वो और बात है। अच्छा अब बिल्कुल इसमें कोई अच्छा भारत के बारे में आपका क्या रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अभी हम एक डेड लॉक्स की सिचुएशन है, अगले साल दोनों तरफ नई हुकूमतें आएंगी, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह इस डेडलॉक से बाहर निकला जाए? मेरे ख्याल में अब तो भारत में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई, तो उन्होंने तो कहा है कि हम आपसे बात करने कोई तैयार नहीं है, ठीक, तो अब तो हमारे कोर्ट में तो बाल नहीं है क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सी बातें तो वो अब देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी मेजोरिटी मिलती है, क्या जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन भी होंगे तो उसमें पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो मोदी हुकूमत जरूरी नहीं कि जितना लग रहा है कि जी उसका जो शोर तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हम जरा पेशेंट इंतजार रहें, इंतजार करें जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए। तैयार नहीं है आपके उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अभी बात करें, वो भी देख रहे ना केयर टेकर गवर्नमेंट, इनसे तो बात नहीं हो सकती ना, जब नई हुकूमत आएगी तभी चलेंगे। अच्छा और इसको ये कहा जा रहा है कि ये इसको ये कहा जा बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ठीक है जनाब। ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 states इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 states में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला है कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो, दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा सारा, चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब हमने मैं कई दिन से ही कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है, 3 states में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अल जजीरा पर ये खबर है, उसी के साथ जब फ्रांस 24 है उसमें बताया जा रहा है इंडिया रूलिंग पार्टी जो बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 states और फिर इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई नहीं जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत को देख करके काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि जिस तरह से मोदी जी के आने से पाकिस्तान का हाल बेहाल हुआ है, यदि मोदी जी अगले बार और आगे तो पाकिस्तान पूरी तरीका से
तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तानी जिस तरह से लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हर बार कोई ना कोई गलत बात करते हैं, उससे पाकिस्तानी अब पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से सत्ता में आने वाले हैं, यही कारण कि अब पाकिस्तानियों को लगता है कि मोदी जी के साथ ही मिलकर चलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से पूरी तरीके से अपने रिश्ते ख़त्म कर चुका था। पाकिस्तानी पिछली सरकार ने कोशिश की थी कि भारत से ट्रेड की जाए, क्योंकि उसने ट्रेड मिनिस्टर भी अपॉइंटेड किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रेड शुरू नहीं की, क्योंकि भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में नफरत पाई जाती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।